मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर आरटीआई में ये बात सामने आई है कि यहाँ पहले मंदिर था और औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। शाही ईदगाह को लेकर मामला पहले से कोर्ट में है। इस केस और तमाम दावों के बीच मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने देशभर के मंदिरों के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर पुरातत्व विभाग ने 1920 में प्रकाशित गजट के आधार पर कहा है कि यहाँ पहले मंदिर था। इसके बाद कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और इस मामले में वकील महेंद्र प्रताप ने कहा है कि इस सबूत को कोर्ट के सामने रखेंगे। इस केस में क्या फैसला होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इसी सबूत के साथ औरंगजेब का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। औरंगजेब देश के उन मुगल शासकों में से एक था जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसने बहुत से मंदिर तोड़वाए। समय समय पर ऐसे दावे सामने आते रहे हैं। आइए देखते हैं उन प्रमुख स्थानों को जहां के बारे में इस तरह के दावे अक्सर सामने आते रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस लिस्ट में सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम जो सामने आता है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर का। दावा किया जाता है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर को ध्वस्त कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। मथुरा की तरह ज्ञानवापी का विवाद इस समय कोर्ट में है। ज्ञानवापी परिसर का भी हाल ही में ASI सर्वे हुआ। दावा किया जाता है कि इसमें मंदिर के प्रमाण भी मिल गए हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि मसीर आलमगिरी के इस्लामी रिकॉर्ड में कहा गया है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था जिसमें सभी प्रांतों के गवर्नरों को हिंदुओं के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था। हालांकि सच और झूठ क्या है इसका फैसला तो कोर्ट करेगी। विजय मंदिर, बीजा मंडल जिसे विजय मंदिर के नाम से जाना जाता है, विदिशा जिले के मुख्यालय में स्थित है। ये भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को 1682 में नष्ट कर दिया गया था। इसके विध्वंस के बाद औरंगजेब ने इस जगह पर आलमगिरी मस्जिद का निर्माण कराया। हालांकि समय के साथ मस्जिद भी ढह गई और अब अवशेष ही है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से एक बोर्ड भी यहां लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि 11वीं सदी के परमार कालीन मंदिरों के अवशेष। औरंगजेब ने इसे नष्ट कर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। गोलकोंडा पर कब्जा करने पर औरंगजेब ने अब्दुल रहीम खान को हैदराबाद शहर का गवर्नर नियुक्त किया। कहा जाता है कि यहाँ पर मंदिरों को नष्ट करने और उनकी साइटों पर मस्जिदों का निर्माण करने का आदेश दिया गया था। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को दो बार औरंगजेब के शासन में तोड़ा गया। पहली बार मंदिर को 1665 में ध्वस्त किया गया, लेकिन फिर से यहाँ पूजन शुरू हो गया तो दोबारा सेना भेजकर इसे तोड़ा गया। 1719 ईस्वी में इनायतुल्ला ने औरंगजेब के पत्रों और आदेशों का कलेक्शन बनाया था। इसमें औरंगजेब के शासनकाल के 1699 से 1704 के वर्षों का जिक्र है जिसमें इसे तोड़ने का भी जिक्र है। बता दें कि तमाम मंदिरों में मथुरा के शाही मस्जिद और काशी के ज्ञानवापी का मामला फिलहाल कोर्ट में है। कोर्ट केस पर करोड़ों लोगों की नजरें लगी हुई हैं। ये खबर लिखी है मेरे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ।